Now next C program displays sum of all natural numbers which is divisible by either 3 or 5. First of all, we are writing some range A from A to B. Display कहाँ से काम तक कराना means for a given range कुछ हो सकता means maybe starts from 1, starts from 5, starts from 10 like that. Suppose that runtime पे अगर A का value provide किया है जा 1 and B का value provide किया something 10 like that. Then इस केस में number of means total natural numbers क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Suppose that B के केस में value enter किया जा, value of B is 16. Like that. This is the beginning range, this is the last range. In that case, इस केस में means conditions क्या है? Display all numbers, sum of all numbers which is multiple of either 3 or 5. Then इस केस में range में क्या रहेगा? Means 3, 5, 6. Because 6 से 3 का multiple है. Then 9, 9 3 का multiple है. 10, 5 का multiple है. 12, 3 का multiple है. Then again 14, 15. 15, 5 का भी multiple है plus 3 का भी multiple. इस केस में वही number display कराना जो या तो 3 के multiple है या फिर 5 के multiple है या दोनों की मल्टीपल है. देन इस केस में इस रेंज के केसेस में इसे अगर केवल कंसीडर करें 3 5 9 10 12 15 अगर इस रेंज में बात करें इसे सीरीज तो जनरेट हुआ लेकिन इस केस में इस सीरीज में कोई भी प्रॉपर्ली रिलेशन के नहीं इसे एग्जैक्टली कोई डिफरेंस हो रहा है कि जैसे फर्स्ट बिगनिंग के 3 और 5 के केस में बात करें इन सीरीज अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो तो कर रहा लेकिन इस केस में सीरीज में डिफरेंस कितने का फर्स्ट केस में 2 का देन 4 का नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3 लाइक दैट मींस देयर इज नो प्रॉपर डिफरेंस इस टाइप के केस में सीरीज स्टार्ट कहां से करेंगे बिगनिंग से मींस ए से कहां तक अप टू बी अप टू समथिंग बी इस केस में सीरीज आपको मींस सीक्वेंसली चलाना हो मींस सीरीज में लेकिन अगर प्रीमिस 1 से लेकर बी इस टाइप अगर सीरीज के रिगार्डिंग मेंटेन करें ने प्रॉपर्ली डिफरेंस हो रहा है एग्जैक्टली वन इसलिए लूप कहां से कहां तक स्टार्ट करेंगे इसे अगेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू नंबर्स फोर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे इटरेटिव वेरिएबल आई रेंज को मैनेज करने के लिए ए बी देन सम स्टोर कराने के लिए वेरिएबल सम लूप कहां से स्टार्ट करेंगे फोर आई इक्वल्स टू ए आफ्टर रीडिंग इनपुट्स कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल्स टू बी देन डिफरेंस कितने का सीरीज में आई प्लस प्लस का प्रीवियस केसेस में सभी नंबर्स को ऐड कराया था लेकिन इस केस में सभी नंबर्स ऐड कराना है क्या नहीं केवल वही नंबर्स ऐड कराना जिनका तो नंबर्स या तो 3 के मल्टीपल हैं या फिर 5 के मल्टीपल हैं या फिर दोनों के इसलिए इस केस में कंडीशन क्या लगाएं डायरेक्टली मींस प्रीवियस केस में क्या था सम इक्वल्स टू समथिंग सम प्लस आई लेकिन इस केस में कंडीशनली एडिशन परफॉर्म हुआ बिकॉज ये सबसे पहले चेक करेंगे आई का करेंट वैल्यू आई का वैल्यू आई कैसे होना चाहिए इधर मल्टीपल ऑफ 3 अगर चेक करना आई 3 का मल्टीपल है तो देन कंडीशन क्या रहेगा आई मॉड्यूलो 3 इक्वल इक्वल 0 और आई इज मल्टीपल ऑफ 5 इस केस में कंडीशन क्या आएगा आई मॉड्यूलो 5 इक्वल इक्वल टू 0 अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा देन नंबर कैसा होगा मल्टीपल ऑफ 5 दस 3 और 5 देन इस केस में आई को ऐड कराने की नीड होगी लाइक दैट देन फाइनली डिस्प्ले क्या करा लेंगे एंड प्रोसेस प्रिंट एफ डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सम क्या है इस केस में सम परसेंट डी वैल्यू ऑफ सम लाइक दैट इस केस में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा 1 2 सेकंड केस में टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट होंगे देयर आर 4 वेरिएबल्स वेरिएबल आई ए बी एंड सम वेरिएबल एस आई देन ए बी और सम इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0 इनिशियल वैल्यू ऑफ आई एंड ए बी इज गार्बेज देन थर्ड केस में क्या आएगा सिंपली मैसेज एंटर ए बी देन सपोज दैट कीबोर्ड से एंटर किया वैल्यू ऑफ ए इज 1 वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 10 वैल्यू ऑफ बी इज 10 देन इस केस में सीरीज क्या रहेगा 1 टू 10 मींस लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो ए के केस में क्या वैल्यू ए का वैल्यू 1 है इसलिए इस केस में जैसे ही लूप एग्जीक्यूट हो लूप के केस में इसका मीनिंग क्या है आई इक्वल्स टू 1 सिक्वेंस एज 5
नाउ आई बिकॉज ए का वैल्यू वन है इसलिए आई का भी इनिशियलाइजेशन किससे हो जाएगा, वन से। सेम है बी के प्लेसेस पर कंसिडर किया, अगर हम बी का वैल्यू को 10 प्रेस किया देन इस प्लेस पर फिक्स्ड हो जाएगा एज अ 10, आई लेस देन 10, लेकिन आई का वैल्यू बार बार चेंज होगा इसलिए बार बार न्यू वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, न्यू वैल्यू से कंपेरिजन कराएंगे। देन सिक्वेंस है 6, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट करेंगे देन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्पेस पर, आई वैल्यू ऑफ आई इज 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन बॉडी पार्ट एग्री। अब चेक करो इस केस में आई का वैल्यू तो 1 है लेकिन 1 इस केस में ऐड करनी नीड है क्या, नहीं, बिकॉज ना ही 1 3 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल, फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स होगा सेकेंड भी फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है इसलिए कर्सर कांस्टेंट होगा, इस कंडीशन टेस्ट तो होगा इस केस में सिक्वेंस है 7, दोनों ही कंडीशन कैसे हैं फॉल्स, ऑलरेडी सॉल्व कैसे करेंगे सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज फॉल्स, 1 को 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर क्या आएगा ऑल्सो 1, 1 इक्वल इक्वल 0 फॉल्स, देन आई प्लस प्लस, नेक्स्ट सिक्वेंस क्या है इसमें आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, मीन्स नेक्स्ट जनरेटेड वैल्यू क्या आई का 2, 2 भी चेक करो 2 भी इसका मल्टीपल नहीं है, लेकिन जब कंडीशन टेस्ट कराएंगे इफ फाइल कंडीशन और फॉर लूप कंडीशन सिक्वेंस 9 वैल्यू क्या 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू अब फिर से इफ का बॉडी एग्जीक्यूट कराएंगे, देन अगेन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर में से 2 आएगा जो कि 0 का इक्वेलेंट नहीं, मीन्स नॉन जीरो रिमाइंडर जनरेट हो रहा, कंडीशन अगेन फॉल्स, मीन्स 9 10 इफ कंडीशन कैसा अगेन फॉल्स, मीन्स ना ही 1 का एडिशन होगा ना ही 2 का, नेक्स्ट मीन्स कंडीशन फॉल्स अगेन आई प्लस प्लस आई बिकम्स 3, जैसे ही आई का वैल्यू 3 हो जाएगा इस केस में देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग आई 3 लेस देन मीन्स इसका सिक्वेंस क्या 11 देन 12, 3 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा 13 सिक्वेंस, अगेन चेक करेंगे 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर इज 0, 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू है सेकंड टेस्ट करनी नीड ही नहीं, इसका मतलब क्या है मीन्स नेक्स्ट वैल्यू का जनरेट हुआ आएगा 3, 3 3 का मल्टीपल है इसलिए इसका एडिशन परफॉर्म हो, लेकिन सम का वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 3 इज 3 असाइन टू द सम, मीन्स सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, मीन्स 3 को इंक्लूड किया है, अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सिक्वेंस क्या था इस केस में 14, अगेन कंडीशन टेस्टिंग आई का वैल्यू 4 है इसलिए कंडीशन के प्लेस पर आई का वैल्यू क्या आएगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन अगेन ट्रू, देन कंट्रोल जाएगा इनसाइड बॉडी ऑफ लूप एज अ 16th केस, बॉडी के केसेस में मीन्स करेंटली आई का वैल्यू क्या है 4, 4 चेक करो 4 ना ही 3 का मल्टीपल है ना ही 4 का मल्टीपल, इसलिए दोनों ही कंडीशन कैसे हैं फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन कंट्रोल कांस्टेंट करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या एक सीक्वेंस मैंने लिखना भूल गया था, मीन्स जब प्रीवियस केस में कंडीशन ट्रू था मीन्स इसका एग्जीक्यूशन वन टाइम परफॉर्म हो चुका ओनली वन टाइम्स। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग आई प्लस प्लस हो चुका, आई का वैल्यू क्या करंटली 4, 4 ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है ना ही 5 से डिवाइड हो रहा है, कंडीशन फॉल्स, या 17 केस क्या रहेगा इस केस में आई प्लस प्लस, नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट कराएं देन कंडीशन क्या है इस केस में 17, 18 कंडीशन इज 5 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, ट्रू है देन 5 को जब 3 से डिवाइड करें देन फॉल्स, लेकिन 5 से डिवाइड करना पॉसिबल है इसलिए 5 का एडिशन हो गया 5, 3 5 का मल्टीपल है, देन सिक्वेंस क्या है इसका 18 देन 19 कंडीशन इज ट्रू, एंड 20 केस में क्या आएगा सम, सम का ऑलरेडी वैल्यू क्या था 3, 5 आई का वैल्यू क्या है 5, 3 प्लस 5 इज 8, सम का न्यू वैल्यू क्या हुआ 8, इस टाइप से एडिशन परफॉर्म का टेस्ट करना पॉसिबल है आपके लिए।